आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले, राज्यसभा में हंगामे, धक्का मुक्की और बदसलूकी को लेकर रिपोर्ट राज्यसभा के महासचिव को सौंप दी गई है। राज्यसभा के सिक्योरिटी इकाई ने भिड़ंत की रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि 11 अगस्त की शाम को बिल पेश होने के दौरान विपक्षी सांसदों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की हो गई थी और फिर सरकार और विपक्ष दोनों ही इसको लेकर आमने सामने थे। फिलहाल रिपोर्ट सौंप दी गई है, राज्यसभा के महासचिव को रिपोर्ट सौंपी गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिपोर्ट बहुत अहम होगी हिमांशु ऐसे में, जबकि दोनों ही आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष। देखिए बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप को लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के विजुअल सामने आए उसके बाद राज्यसभा का जो सिक्योरिटी डिवीजन है उसने अपनी रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी जनरल को सौंप दी है। नवजोत, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल पूरी रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद जो है राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को देंगे और उसके बाद कार्रवाई की जा सकती है जिन सांसदों ने मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की भी की है या उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की है। तो ये घटना पहली बार नहीं हुई है राज्यसभा में मार्शल्स के साथ। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक घटना आई थी जब 6 सांसदों को टीएमसी के एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, तो वो जबरदस्ती घुसना चाहते थे संसद के अंदर, सदन के अंदर, तब उनको रोका गया था, तो गेट को तोड़ने की कोशिश की गई थी, तब भी चेयरमैन को कंप्लेंट की गई थी। लेकिन इस बार की घटना सदन की है और सदन के अंदर एक तरह की घटना हुई है, तो उसको लेकर सिक्योरिटी डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल को सौंप दी है। वहां से ये रिपोर्ट राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाएगी, पर क्या कार्रवाई करेंगे ये राज्यसभा के चेयरमैन, रिपोर्ट के बाद जो उसके ऊपर डिवीजन का रिकमेंडेशन होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। चले, रिपोर्ट सौंपी गई है, तस्वीरें वही आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस दौरान हंगामा हुआ था, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने। विपक्ष ने बकायदा एक पूरा मार्च भी किया था और उसके बाद विपक्षी सांसद और बीजेपी के सांसद जाके वेंकैया नायडू से मुलाकात भी करके आए थे। आरोप विपक्ष ने यह लगाया था कि बाहर से मार्शल आए थे, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट किया गया था कि आखिर हालात क्या थे अंदर। आगे बढ़ेंगे, देश में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो मामले घटकर 38,000 तक पहुंच गए हैं, मौत भी 500 से कम है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट से अब तक 6 मौत हो चुकी है और 66 लोगों की पहचान की गई है। आखिर कैसे ये वेरियंट वैक्सीन और इम्यूनिटी के कवच को तोड़कर शिकार बना रहा है, देखिए जरा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी, इसके बावजूद कोरोना की चपेट में आए और मौत हो गई। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की पुष्टि हुई कि संक्रमण डेल्टा प्लस वेरिएंट का था। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर एक बार फिर बढ़ गया है। इस संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में तीसरी मौत की पुष्टि हुई। रायगढ़ में 49 साल के पुरुष ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया, जबकि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 63 साल की महिला की डेल्टा प्लस की वजह से मरने की पुष्टि करीब 2 हफ्ते बाद हुई। 21 जुलाई को इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 27 जुलाई को मौत हो गई। इस महिला के परिवार के 6 सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं, इनमें से 2 सदस्यों में डेल्टा प्लस संक्रमण पाया गया है, बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब चिंता की बात तो ये है कि इस महिला के घर में 6 फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। 6 में से 2 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 4 फैमिली मेंबर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। डेल्टा प्लस से हुई मौत कंफर्म करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल पाता है कि कौन से वेरिएंट से मौत हुई। बीएमसी के पास रिपोर्ट आई तब ये पता चला कि डेल्टा प्लस का संक्रमण था। अब महिला से मिलने जुलने वाले लोगों में संक्रमण की चेन ढूंढी जा रही। चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद डेल्टा प्लस मरीजों पर हावी हो रहा है। अब तक ये कोई सबूत नहीं है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से फैलता है।
और ये बहुत जरूरी होगा आगे जाके कि हम बहुत सारा सर्वेलेंस करें, मतलब कम्युनिटी में कैसे फैल रहा है इसको देखें और सीक्वेंसिंग करें, जिससे हमको पता चले कि कौन सा वेरिएंट किस प्रकार फैल रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले थे। इसके बाद से यहाँ इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज मुंबई में है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसमें अधिकतर में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले ही केंद्र सरकार वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुकी है। तमाम वैक्सीन कंपनियों की नजर इस वेरिएंट पर है क्योंकि इसे हराए बगैर पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकती। और इस बीच कोरोना का ताजा आंकड़ा भी हम आपको दिखा देते हैं। पिछले 24 घंटे के हालात क्या हैं, कितने मामले हैं और कितने लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो कोरोना के पिछले 24 घंटे के मामले 38,667, मौत 478 लोगों की हुई है और रिकवर होने वालों की संख्या भी ठीक ठाक है। तो देश में पिछले 24 घंटे का ताजा आंकड़ा, 24 घंटे की बात करें तो 478 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 38,000 से ज्यादा मामले, 38,667 मामले सामने आए हैं। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य और दिव्य रूप से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। केंद्र सरकार ने भी आजादी के 75 साल को यादगार बनाने की तैयारी की है और इस बीच आतंकियों की देश पर नापाक नजर है, लेकिन आतंकियों की हर साजिश को फेल करने के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है कि आतंकी आका खुद भी आ जाए तो भी इस सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे। दिल्ली और देश के तमाम शहरों में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिंटो ब्रिज के पास। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये कनॉट प्लेस के लिए जाती है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था की गई है। न सिर्फ लाल किले बल्कि पूरे आसपास के इलाकों में, दिल्ली में कई जगहों पर इसी तरीके से बैरिकेड्स लगा करके दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। अगर हम लाल किले के 10 किलोमीटर रेंज की बात करें तो हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि हर कोई भी अगर उधर से गुजरे तो उसकी जद में जरूर आए, जरूर वो कैप्चर हो। लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जगह जगह इसी तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जरूरत पड़ी अगर तो कभी अगर रोड को रोकना, कभी ट्रैफिक को रोकना तो आप देखिए ये जो तमाम रस्सियां वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं फौरन इनकी मदद से रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए पूरी तरीके से मुस्तैद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो जगह जगह पूरी दिल्ली में आपको इसी तरीके से नजर आएंगे। बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है, जो नेबरिंग स्टेट है जो वहां के पुलिस अधिकारियों से लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। तमाम एजेंसियां सुरक्षा के मुद्दे पर इस वक्त मिलकर काम कर रही हैं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर बात करें तो 24 जिले ऐसे जो इस वक्त बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा हो, यमुना हो, तमाम नदियां उफान पर हैं और जिसकी मार शहर शहर गांव गांव पर पड़ रही है। सबसे पहले हम बात संगम नगरी प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पर गंगा और यमुना दोनों ही नदियों के पानी ने कहर बरपा रखा है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं, हालात इतने खराब हो गए हैं कि खाने पीने तक की मुश्किलें आ रही हैं। साफ है कि गंगा यमुना के उफान ने इन दिनों पूरे प्रयागराज में कोहराम मचा रखा है। टूट गई है गलियां, टूट गए हैं रास्ते। पहली मंजिल तक मकान डूबे, घरों में रखे सामान डूबे और बाढ़ की इस मार में डूबती जा रही है जल्द राहत की उम्मीदें। भूखे प्यासे मर रहे, फंसे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को पता नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे।
क्योंकि प्रयागराज के जिन रास्तों पर दौड़ती थी जिंदगी, वहाँ सिर्फ सैलाब है। गंगा यमुना का पानी बढ़ने से मुश्किलें बेहिसाब है। बाढ़ की असीमा के आगे लोग बेबस हैं, कहीं आना जाना मुमकिन नहीं है और न ही खाने का कोई इंतजाम है। आफत ऐसी है कि भूखे प्यासे लोगों के दिलों से आह निकल रही है। बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको क्या हम क्या बताएं। बच्चा हमारा दो दिन से भूखा था, पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा है, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कोई आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। कोई हमें पूछता तक नहीं है, हमें यहाँ पे आके क्या आप फंसे हैं यहाँ पे, आप क्या खा रहे, बच्चे के साथ क्या पी रहे, कैसे जिंदा है बताइए। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके के हैं। यहाँ हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी के कैलाशपुरी मोहल्ले में हर ओर बस पानी ही पानी है। यहाँ ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ की वजह से इलाका खाली कर दिया है और सामान निकालने के लिए एनडीआरएफ से गुहार लगा रहे हैं। पानी से रूम डूब गया है और पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस वजह से हम लोग अपना सामान निकालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं एनडीआरएफ के पास। सिर्फ चांदपुर सलोरी ही नहीं, गंगा यमुना की बाढ़ ने कई और इलाकों में मुश्किलें यूं ही बढ़ा रखी है। पहली मंजिल पूरी तरह से डूबी हुई है, मकान की ऊपरी मंजिल लोगों की शरण स्थली बन गई है। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। बाढ़ की मार के बीच दोहरी आफत उन लोगों के लिए है जिसके घरों में कोई बीमार पड़ा है। तीन जगह जो है महिलाएं जो है मतलब बीमार थी, उनको ले आके जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना, दो तीन दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले हम लोग ले आके एडमिट कराए उनको, मतलब काफी बीमार थी। अब चारों तरफ पानी लगने की वजह से कोई साधन वहाँ नहीं जा पा रहा था, फिर हमने बोट से गए उनको लेके आए, ले आके उनका इलाज मुहैया कराए। प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ में बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन इसी कोशिश में लगा है कि सैलाब के संकट के बीच किसी तरह लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने पहले से ही ड्यूटियां लगा रखी हैं कि कोई भी आदमी अगर उसको बाहर निकलना है तो उसको समय से निकाल लिया जाए, और जो शिविर बने हैं, शरणार्थी शिविर हैं, वहाँ पर ला करके उनको रखा जाए, और उनके घरों की सुरक्षा के लिए हमारी पेट्रोल टीम लगी है। सरकार भी संगम नगरी पर आई इस मुसीबत पर नजर बनाए हुए है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की और भरोसा दिलाया कि गंगा कॉरिडोर बनने के बाद प्रयागराज के लोगों को ऐसी बाढ़ से जूझना नहीं पड़ेगा। सच है कि प्रयागराज में बाढ़ का यह संकट लगभग हर वर्ष आता है और काफी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करिए जिसके आधार पर प्रयागराज को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्त किया जा सके। बाकी गंगा मैया की कृपा बनी रहे, हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये बात तो भविष्य की है, मुसीबत आज प्रयागराज को बाढ़ के रूप में घेरे हुए है। डरे सहमे लोग गंगा यमुना में पानी घटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, शायद वहाँ ही कुछ सुनवाई हो। विगत रात में जो बीती है उसमें जो वाटर राइज है वो काफ़ी कम राइज कर रहा है, 8 घंटे में लगभग 3 सेंटीमीटर ही बढ़ोतरी हुई है, और संभावना है कि आज यह स्थिर होना चाहिए यदि कोई बहुत ज़्यादा अधिक बरसात नहीं होती है तो। और मुझे लगता है कि आज शाम से नहीं तो कल सुबह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ही आज़ादी के 74 साल बाद भी देश में समाज को बांटने का काम नहीं हो रहा, बल्कि वीआईपी सोच यानी कि अपने पद कद रुतबे के कारण दिमाग में लाल बत्ती लेकर घूमने वाली बीमारी भी विवादों को जन्म देती है, नागरिकों से दोहरा बर्ताव करती है। कहानी अब मध्य प्रदेश की आपको दिखाते हैं, जहां पर आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को उज्जैन में नियम तोड़ दर्शन कराने के लिए पुजारियों तक को रोक दिया गया। उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां कोरोना काल में भस्म आरती पूरी हो जाने से पहले कोई भी हो, चाहे वीआईपी या आम श्रद्धालु, सभी को मंदिर में प्रवेश तक की इजाजत नहीं। उसी उज्जैन के महाकाल मंदिर में नाग पंचमी की पूजा के दिन भस्म आरती से पहले नियम तोड़कर मंदिर के भीतर से आते बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला दिखते हैं, जिन पर वीआईपी होने का फायदा उठाने का आरोप लगता है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता।
सर सर आपके कारण पुजारियों को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सर? पुजारी तक को कैलाश विजयवर्गीय के वीआईपी दर्शन के चक्कर में मंदिर के भीतर जाने से रोके जाने के आरोप पर कोई जवाब नहीं आया तो विधायक भी चुप रहे। मेंदोला जी पुजारियों को आपके कारण नीचे नहीं आने देना, कुछ बोलेंगे आप? न कैलाश विजयवर्गीय बोले, न उनके बेटे, न बीजेपी विधायक मेंदोला। सब आरोपों के मुताबिक भस्म आरती से पहले ही जनता से मिली ताकत वाले पदों के कारण नियम तोड़ दर्शन करके चले गए। बोले तो सिर्फ पुजारी बोले। राजवीरी जी आए थे इंदौर वाले, वो दर्शन करके निकल गए, पुजारी जी यहाँ खड़े हैं। जी कितने घंटे लेट होगा यहाँ आरती के लिए? आधा घंटा हो गया वहाँ पे। पुजारी यहाँ के आरोप लगाते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को नियमों के विरुद्ध जाकर दर्शन का लाभ देने के चक्कर में भगवान की भस्म आरती तक आधे घंटे लेट करा दी गई। प्रशासन इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन जब कलेक्टर से पूछिए कि वीआईपी एंट्री कैसे नेताजी को मिली तो जवाब आता है, जो प्रवेश है जिनको श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखा है वही नियम आगे भी रहेगा। आम आदमी के लिए प्रतिबंध तो फिर कैलाश जी पर कृपा क्या सिर्फ इसलिए बरसी क्योंकि वो वीआईपी हैं? और अगर ऐसा है तो धर्म संस्कृति की बात करने वाले दल ही क्या वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि वीआईपी की जगह ईपीआई लाना है, यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। अफगानिस्तान के दो तिहाई हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और तालिबान की जीत इतनी आसानी से कैसे हो रही है भी हम आपको बताएंगे, इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त कहां कहां तालिबान का कब्जा हो चुका है, कहां तक पहुंच चुका है तालिबान। तो काबुल से सिर्फ महज 50 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त तालिबान के लड़ाके हैं। अभी तक अगर 34 प्रांतों की बात की जाए तो उनमें से 19 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा तालिबान जमा चुका है। अफगानिस्तान सरकार का तालिबान पर बयान आया है और इसमें आपको यह भी बता दें कि कल भी एक बहुत अहम बयान आया था जिसमें अफगानिस्तान सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि वो इनको सरकार में हिस्सेदारी दे सकते हैं। बहरहाल अफगानिस्तान सरकार ने अब कहा कि जी जान से मुकाबला किया जाएगा। भारत को लेकर तालिबान ने भी बड़ा बयान दिया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तालिबान ने कहा कि किसी भी दूतावास को हमसे कोई खतरा नहीं है। यह तालिबान की तरफ से बयान आया है। तो इस बीच हम आपको सुनवाते हैं कि तालिबान का क्या कुछ कहना है। मिस्टर शाहीन, वी आर सीइंग दैट तालिबान इज टेकिंग ओवर more and more territories and there is a lot of violence. How do you react to this and why such violence is taking place and do you condemn the violence? First, we are taking the provincial centers in districts in areas falling to us, but they are falling voluntarily. To us, you can see the videos of hundreds and thousands security forces of the Kabul administration. They are coming to our side in joining us. That is true, but they are not because of violence. It is claimed violence or killing of innocent people. Which is being carried out by the Kabul administration, we condemn that. So that is not our policy. Why we should tell our people or increase violence? It is contrary to our policy. But there is a lot of propaganda showing that there are violence and the increase in violence. That is not true. About assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. महज हफ्ते भर में अफगानिस्तान पर तालिबान का लगभग कब्जा हो चुका है और तालिबान की रफ्तार अब दुनिया को भी डरा रही है। नौबत ये आ चुकी है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के इस्तीफे की अफवाह तक उड़ रही है जिसे अशरफ गनी ने खारिज कर दिया है। अब
अफगानिस्तान, वो देश जिसकी सेना को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, खतरनाक और आधुनिक हथियार दिए, फिर भी तालिबान सब कुछ रौंदता हुआ काबुल की तरफ बढ़ रहा है। सवाल यह है कि जो अफगान सेना संख्या में तालिबान से ज्यादा हो, वो बिना लड़े ही तालिबान के आगे घुटने क्यों टेक रही है? अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान और तालिबान से कितनी नफरत करते हैं, ये उसका सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि जनता का साथ मिलने के बावजूद अफगान सेना हौसला क्यों खो रही है? तालिबान के ऊपर अफगान सेना के लड़ाकू विमान मौत बरसा रहे हैं, लेकिन जिस तालिबान के पास एक भी लड़ाकू विमान ना हो, वो कैसे अफगान सेना को पीछे खदेड़ रहा है? ये अफगानिस्तान के हेलमेंड राज्य का वीडियो है, जिसमें अफगान कमांडो तालिबान को ललकार रहे हैं। पश्तो में ये अफगान कमांडो कह रहे हैं कि वो मरते दम तक इस शहर को बचाएंगे। अफगानिस्तान के कमांडो ने 4 अगस्त को तालिबान के खिलाफ ही नारेबाजी की थी, जनता को यकीन दिलाया था कि वो तालिबान को शहर में कदम नहीं रखने देंगे, लेकिन 10 दिनों के अंदर ये कसम टूट गई और हेलमेंड राज्य तालिबान के कब्जे में चला गया। काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ते तालिबानी आतंकवादी तेजी से अफगानिस्तान को जीत रहे हैं। शुक्रवार को तालिबान ने कंधार, हेलमेंड, घोर, बजिस और लोगर राज्य पर कब्जा कर लिया। तालिबान अफगानिस्तान के 34 राज्यों में से 18 पर कब्जा कर चुका है। इसमें सबसे बड़ा शहर कंधार है, जो अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कंधार में जब अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों ने खुद को तालिबानी आतंकवादियों से घिरा देखा, तो वो विमान से भाग निकले। तालिबान के आगे अफगान सेना का ये सरेंडर बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि रक्षा बजट से लेकर सैनिकों की संख्या तक में अफगान सेना तालिबान से बीत है। वहां पर उनका मोटिवेशन नहीं है, तो नंबर्स को भी देखते हुए आर्मी जो है, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके पास काफी एडवांटेज है। अफगानिस्तान की सेना के पास 3 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल हैं, जिसमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। माना जाता है कि तालिबान के पास 1.5 लाख के करीब आतंकवादी हैं। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के अनुसार तो ये संख्या 55 से 85 हजार के बीच है। अफगान सेना का सालाना बजट 44,566 रुपए है, जिसका 75% हिस्सा अमेरिका देता है, जबकि यूएन कहता है कि तालिबान हर साल इससे आधी रकम यानी 22,000 करोड़ रुपए अपने आतंकवादियों पर खर्च करता है। तालिबान के खिलाफ अफगान सेना का सबसे बड़ा गेम चेंजर हथियार उसकी वायुसेना है, जिसमें 167 एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वहीं तालिबान के पास वायुसेना नहीं है। जैसे पहले सोचा गया था कि हो सकता है तालिबान रूरल एरिया को तो पकड़ लेगा, क्योंकि तालिबान के पास छोटे हथियार हैं, ज्यादा से ज्यादा मोटर्स हैं, और जबकि अफगान फोर्सेस के पास जो हथियार हैं वो ज्यादा आधुनिक हैं, उनके पास वो अमेरिकन ट्रेन हैं, उनके पास एयर पावर थी, उनकी खुद की एयरफोर्स थी जिसके अंदर 170 जहाज थे, और उसके साथ साथ जो है अमेरिका की भी एयर पावर उनको एयर स्ट्राइक दे रही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, तालिबान ने इन प्रोविंसों को धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो जो तालिबान सैनिकों की संख्या से लेकर रक्षा बजट में अफगान सेना से आधा, वो तालिबान अफगानिस्तान में खुलेआम अपने झंडे फहरा रहा है। 9/11 के बाद अमेरिकी फौज की एंट्री के साथ ही अफगानिस्तान से तालिबान का शासन खत्म हो गया था। पिछले 20 सालों में अमेरिकी सेना ने अफगान सेना को ट्रेनिंग और हथियार दिए, ताकि जब वो अफगानिस्तान छोड़े तो अफगान सेना अकेले दम पर तालिबान के दांत खट्टे कर सके। लेकिन अमेरिका के जाने के महीने भर के अंदर ही तालिबान अफगान सेना पर पूरी तरह से हावी हो गया है। सवाल है क्यों? आज तक ब्यूरो। दक्षिणी अफगानिस्तान करीब करीब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ चुका है, और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो उसने हेरात और कंधार कब्जा करके ये बता दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। और ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि जिस अफगान सेना को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी, वो तालिबान को रोक क्यों नहीं पा रही है। तालिबान की जीत के 4 सीक्रेट्स देखिए इस रिपोर्ट में। आपने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को भी इस तरह से रॉकेट लॉन्चर चलाते हुए, लेकिन तालिबान में ऐसा क्या है कि वो एक देश की सेना पर भारी पड़ रहा है? इस सवाल का पहला जवाब यह है कि अफगान सेना और सत्ता में बैठे लोग बिना लड़े ही तालिबान के आगे समर्पण कर रहे हैं, ये रहा उसका सबसे ताजा सबूत। ये अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गवर्नर रहे इस्माइल खान है,
जो इस वक्त तालिबान के कब्जे में हैं। वे तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। इस्माइल खान अफगानिस्तान में भारत के करीबी दोस्तों में शामिल हैं, जो इसी साल अप्रैल में भारत आए थे। भारत की मदद से बन रहे अबने हिरात बांध के निर्माण में इस्माइल खान ने अहम रोल निभाया था, लेकिन अब ये तालिबान के सामने हथियार डाल चुके हैं। कंधार में भी यही हुआ और वहाँ के स्थानीय राजनेताओं ने सैनिकों से लड़ाई न करने को कहा। कंधार प्रांत के गवर्नर रोहल्ला खानजादा ने कहा कि राजनेताओं ने सैनिकों से लड़ाई न करने का आग्रह किया और कंधार शहर बिना लड़ाई के ही तालिबान के नियंत्रण में चला गया। दरअसल तालिबान गुपचुप तरीके से अफगान सेना के कमांडरों, गांव, जिलों और प्रांतीय स्तर पर अहम नेताओं से संपर्क कर रहा है। इसके लिए वो उनके कबीले, परिवार और दोस्तों की मदद भी ले रहा है, ताकि एक गुप्त समझौता किया जा सके। इसी वजह से अफगान सेना को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। वहां पर उनका मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि इनके हैं 3 लाख लोग हैं, उनके वहां पर जो हैं 70-80 हजार तालिबान के लड़ाकू हैं, वो उनके आतंकी हैं, ज्यादातर ने हथियार डाल दिए हैं। कुछ ने तो वहां पर लड़ाई की है, परंतु फिर भी वो टिक नहीं पाए हैं। तालिबान प्रचार के जरिए बात लोगों के मन में बसा चुका है कि आखिर में वही जीतेगा, इसीलिए लोग अपने निजी हितों की रक्षा करने के लिए अफगानिस्तान को दांव पर लगा रहे हैं। अफगान नेताओं की यही नासमझी तालिबान की ताकत बनकर उभर रही है। तालिबान की जीत की दूसरी सबसे बड़ी वजह सरकारी भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व है। स्थानीय पुलिस से लेकर सेना के बैनर तले सरकार समर्थक मिलिशिया बलों की भर्ती तक में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के पूर्व प्रमुख रहमतुल्ला नबील के मुताबिक सरकार के भीतर कुछ हलकों ने वेतन को जेब में रखने के लिए घोस्ट यानी जिनका अस्तित्व नहीं है ऐसे मिलिशिया समूह बनाए हैं। सरकार की तरफ से 1000 स्थानीय मिलिशिया के लिए पैसे भेजे जाते हैं और भ्रष्टाचारी केवल 200 को ही काम पर रखकर बाकी पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं। यही नहीं, जो अफगान पुलिस तालिबान से लोहा ले रही है उसे महीनों से सैलरी नहीं मिली है। अफगानिस्तान की सेना को खाने पीने, हथियार तक मिलने में दिक्कत हो रही है। वहीं सेना के हथियार और जरूरी सामान की कालाबाजारी होकर तालिबान तक पहुंच रही है। हथियारों की कमी की बात आज तक संवाददाता अशरफ वानी को कंधार में एक सैनिक ने भी बताई थी। दुश्मन जवाब को ये बोल रहे कि हम रेडी है जंग के लिए, सिर्फ हमारे कुछ मुश्किल है वो ये कि हमारे पास वेपन्स जो है ना वो उसके कमी के साथ हम पेश है, वैसे हम इन पर भारी है। अफगानिस्तान के नेता और सरकार अगर चाहती तो वो 20 सालों में खुद को मजबूत कर सकती थी, लेकिन अक्षम नेतृत्व के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसका फायदा तालिबान को मिला और वो अफगानिस्तान में चुपचाप फैलता चला गया और अमेरिका के जाते ही उठ खड़ा हुआ। 1990 के दशक के अंत में तालिबान ने पहले दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जहां पश्तून रहते हैं। इसके बाद वो ताजिक और उज़्बेक की आबादी वाले उत्तर की ओर आगे बढ़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के अधिकतर समूह में वो घुसपैठ करने में सफल हो गया। तालिबान के शीर्ष नेता आमिर खान मोटाकी ने इस बारे में कहा, आज स्थिति 20 से 25 साल पहले की तुलना में अलग है। अब हर गांव और इलाके में मौजूद हर जाति समूह में तालिबान के सैकड़ों और हजारों सशस्त्र मुजाहिदीन मौजूद हैं। ज्यादातर जानकार इसे अमेरिका की खुफिया असफलता मानते हैं, जो तालिबान के बढ़ते प्रभाव को पहचान न सकी। तालिबान के जीतने की एक और बड़ी वजह अचानक उसके आतंकवादियों की संख्या में इजाफा है। अमेरिका और तालिबान के समझौते के तहत अफगान जेलों से 5000 तालिबानी आतंकवादियों की रिहाई ने भी उसकी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। पाकिस्तान के सैन्य अफसर और आतंकवादी भी तालिबान के समर्थन में उतर कर जंग लड़ रहे हैं और अचानक तालिबान ने अपनी ताकत से सबको चौंका दिया। वहीं अफगान सेना की ताकत इस दौरान तेजी से घट रही है। अफगान इंटेलिजेंस सर्विस कहती है कि 5000 सैनिक हर महीने अफगान सेना छोड़ रहे हैं, यानी एक तरफ तालिबान की ताकत में इजाफा हो रहा है तो वहीं अफगान सेना लगातार कमजोर होती जा रही है। इस तरह कमजोर नेतृत्व, भ्रष्टाचार और तालिबान का शातिरानापन अफगानिस्तान के उसके कब्जे में जाने की वजह बन रहा है। आज तक ब्यूरो।